नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंटरमीडिएट साइंस पे। और SSCCGL मेंस 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा रिव्यू दूंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, और भी जो अदर कैंडिडेट्स हैं जो बहुत अच्छे पोजीशन पे मतलब मॉक टेस्ट वगैरह में चल रहे थे उनका भी बताऊँगा जो मेरे काफ़ी क्लोज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी बड़े बुज़ुर्ग जो कह के गए हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंसान को दुख देता है वो उसका एक्सपेक्टेशन होता है, और कहीं ना कहीं आज मुझे ये बात बिल्कुल सच लगी। भाई जितने भी मॉक्स जो थे, एक बात मैं कह देता हूँ कि ये वीडियो उनके लिए भी है जो एग्ज़ाम आगे देंगे, जिन्होंने आज तक कभी सीजीएल मेंस राइट नहीं किया, और जो दे चुके हैं आज वो भी देख सकते हैं। भाई मैं जितने भी मॉक्स देता था उसमें एक चीज़ तो 100% ये मेंटेन रहती थी कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन वन होता है उसमें मेरे मार्क्स अच्छे रहते थे। मतलब एक एक्सपेक्टेशन सी बन गई थी कि मैथ और रीजनिंग तो अच्छा ही जाएगा, या मैथ और रीजनिंग में तो इंसान अच्छा ही करेगा, इस तरीके से एक एक्सपेक्टेशन ही बन गई थी कि मैथ और रीजनिंग तो भाई अच्छा जाएगा। बाकी इंग्लिश कभी कभी बहुत ख़राब भी चली जाती थी, बहुत कम भी नंबर आते थे, 8 गलत 9 गलत 10 गलत, बहुत एक बार तो 11 गलत भी हुए थे रीजनिंग में, ठीक है मॉक देते वक्त। लेकिन ये बात थी कि मैथ और रीजनिंग हमेशा अच्छी जाती थी। लेकिन आपको तो पता होगा कि आज मैथ का पेपर कैसा आया, और जैसे ही स्क्रीन पे एक तरीके से जैसे ही फ्लैश हुआ क्वेश्चन नंबर 1, उसी वक्त से बिल्कुल पहला 1-2 मिनट टाइम लैप्स गया, उसके बाद भी वो नहीं संभला। प्रोबेबिलिटी का वो सवाल था, उसमें लगा कि अच्छा ठीक है इसको बाद में देखेंगे, इसको बाद में बनाएंगे, अगला देख लेते हैं, उसमें भी 1-1.5 मिनट टाइम लैप्स कर दिया। फिर लगा अच्छा चलो इसको भी स्किप कर देते हैं, तीसरा भी स्किप करना पड़ गया। इस तरीके से फिर चौथा से जब क्वेश्चन से जब मैंने बनाना शुरू किया तो तकरीबन 8 या 9 सवाल मैंने पूरे अच्छे से बनाए थे कि मुझे पता चला कि मैंने ऑलमोस्ट 16 से 17 मिनट गंवा दिए हैं, और मेरे पास 40-42 मिनट ही बचे थे, उसमें मुझे रीजनिंग भी कम्प्लीट करना था, मैथ भी कम्प्लीट करना पड़ा। ऐसा दोस्त कभी भी मॉक में नहीं हुआ था। मतलब जब भी मॉक देता था तो ऐसा नहीं होता था कि मैथ में आपको इतना टाइम लग रहा हो। इसका एक वजह ये था कि चूंकि सीजीएल 22 मेंस में मैथ काफ़ी इजी आया था, तो ये सारे लोग यही सोच के चल रहे थे कि सीजीएल 23 के मेंस में भी मैथ काफ़ी इजी आएगा, और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैथ काफ़ी कैलकुलेटिव था। मैथ में 15 से 17 क्वेश्चन तो आसानी से डुएबल थे, जिनको आप कर सकते थे, आपको हल नॉलेज है तो, या बेसिक नॉलेज भी है मैथ का, तो 15 से 17 क्वेश्चन तो कर सकते थे। बाकी 7 से 8 सवाल मॉडरेट थे, वो कैलकुलेटिव नेचर के थे, और कुछ 3-4 सवाल तो काफ़ी आप मतलब मॉडरेट से भी आप उसको ऊपर बोल सकते हो, काफ़ी कैलकुलेटिव भी, थोड़ा ट्रिकी भी, ठीक है प्रोबेबिलिटी वगैरह के सवाल खास करके। 1-2 सवाल ऐसे भी थे जो लग रहा था कि काफ़ी लेंदी जाएंगे, लेकिन 1-1.5 मिनट में हो गया, मोड वगैरह वाला खास करके, मॉडल लेंथ वाला। तो मैं आपसे एक चीज़ तो ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप सीजीएल 2024 राइट करोगे तो ये कभी एक्सपेक्टेशन रखना ही मत कि मैं इस पेपर में फाड़ दूंगा, मैं इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, दूसरे में भले थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाए लेकिन इस सेक्शन में बहुत अच्छा कमांड कर लूँगा। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखा सकता हूँ मेरे मॉक्स के, कि कंसिस्टेंटली मैं मैथ्स में मतलब अच्छा ही कर रहा था, रीजनिंग में भी मैथ्स में भी अच्छा ही कर रहा था, लेकिन एक्चुअली में मेरा जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ वो सेक्शन 1 ही हुआ, मैथ और रीजनिंग वाला ही हुआ। और ये मेरे साथ मतलब मैं कोई अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैंने बात किया जो मॉक में काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे थे, मतलब 340 345 इस तरीके से भी स्कोर लाते थे, 350 लाइव मॉक्स में, उनसे मैंने बात की तो उनका भी मैथ में 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन छूटा ही, ठीक है। तो मैथ ने तो यार इस बार काफ़ी रुला दिया, मतलब सारे जज्बात बदल दिए, कहानी बदल दी। आभास सैनी एक टीचर हैं, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है बर्बल मैथ भाई आभास सैनी, उन्होंने आज से जब सीजीएल 22 का मेंस हुआ था उसी वक्त बोल दिया था कि 23 के मेंस में केवल मैथ ही हटाएगा, तो उस वक्त किसी ने सीरियसली लिया भी नहीं था, मैंने भी नहीं लिया था, हालांकि क्या कहूँ अभी तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई है कि कुछ कहने लायक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि मेंस में 23 के मेंस में मैथ काफ़ी हार्ड आएगा, तो मैं वही पढ़ाऊँगा जो तुम्हें ज़रूरत है, वो नहीं पढ़ाऊँगा जो तुम चाहते हो। तो ये उनका लाइन अब मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों इंसान को हमेशा वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और गाइज
इंग्लिश में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मतलब जब मैं मॉक्स लगाता था तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, क्योंकि इंग्लिश आमतौर पे मॉक्स में मॉडरेट या फिर टफर साइड भी देखने को मिलता था। जीके जीएस के वगैरह के भी सेक्शन बहुत अजीब से कभी कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था मॉक में, तो वो भी मेरे से उतना अच्छा नहीं संभलता था। लेकिन एग्जामिनेशन में जैसे ही मैंने देखा कि सेक्शन वन मेरा काफ़ी डैमेज हो चुका है, मैथ में मैंने काफ़ी कम अटेम्प्ट किए, रीजनिंग तो ठीक ठाक रहा लेकिन मैथ में जैसे ही मैंने देखा कि मैंने कम अटेम्प्ट किए हैं तो सेक्शन टू पे मुझे रिस्क लेना पड़ गया। मैंने सोच ही रखा था कि अब जो भी हो या तो, लेकिन अटेम्प्ट तो करना है। और इस चक्कर में मैंने क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैथ मतलब ख़राब गया, तो ये सोच के जीएस में जीके में बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए और एक्चुअल में पता भी नहीं है कुछ सवाल कि अब एकदम ब्लाइंडली तुक्का तो किसी नहीं लगाया हूँ मैं। और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी समझदार होते हैं थोड़े से भी, जिनको नॉलेज होता है कि हाँ एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ब्लाइंडली तुक्का नहीं लगाते, लेकिन एलिमिनेट अगर कर दिए एक दो ऑप्शन तो वो फिर 50-50 पे रिस्क खेलते हैं। अब इस चक्कर में स्थिति ये हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में मैंने बनाया कितना कितना सही है। एक तरह से जो इंसान सोचता था कि चलो भाई कुछ बेटर होगा लाइफ में, लेकिन मैथ की वजह से एक ऐसे पोजीशन पे आ गया कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मुझे नहीं बल्कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। आरपी जिनका चैनल है शुभम जैन सर, उन्होंने भी एक शॉर्ट में एनालिसिस डाला है कुछ देर पहले यूट्यूब पे, और उनके अकॉर्डिंग इंग्लिश का एवरेज स्कोर 119-120 है, जीएस का एवरेज स्कोर 39 है, रीजनिंग में 80 के अप्रॉक्स है, मैथ में 60-62 के बीच है। भाई अभी सारे बच्चों को यही लग रहा है कि सारे कैंडिडेट्स को यही लग रहा है कि चलो मेरे इतने आ जाएंगे इंग्लिश में, तो दो तीन ही गलत हुए होंगे, लेकिन इंग्लिश का पेपर भी ऐसा नहीं था, इंग्लिश का पेपर भी काफ़ी ट्रिकी था। मतलब सारे सवाल तो ट्रिकी नहीं हो सकते या हार्ड नहीं हो सकते, इंग्लिश ईजी साइड ही था, मगर कुछ सवाल थे, 3-4 सवाल थे जो इंग्लिश में भी ट्रिकी थे। अब उसमें कोई सोच रहा है कि हाँ ये तो मेरा सही हो गया होगा, लेकिन एक्चुअल उसका करेक्ट आंसर क्या है ये तो आंसर ही बताएगा, ठीक है। दो तीन सवाल हैं ऐसे, और जीएस में भी कुछ ऐसा ही था, जीएस में मेरे ख्याल से एक सवाल गलत भी है, ऐसा मुझे लग रहा है कि जीएस में एक सवाल गलत है, उसके साथ ग्रेस मार्क्स में मिलेंगे। मैं उसके बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि परफेक्टली श्योर मैं नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप सीजीएल 2024 राइट करने वाले एस्पायरेंट हैं तो आपको एक सजेशन मेरे तरफ से ज़रूर रहेगा, या आप सीजीएल 23 में अगर आपका कट ऑफ 0.25, 0.5, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, कितना से भी मिस करके आओ, ठीक है, और आप सीजीएल 24 के अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो मेरा आपको एक सजेशन जरूर रहेगा कि आप किसी भी सेक्शन को आज के डेट में इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार मैथ अच्छा आया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मैथ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इंग्लिश को इग्नोर कर देंगे। क्या रहा है, इंग्लिश तो आसानी आता है या रीजनिंग तो आसानी आता है, जीएस में तो कुछ नहीं आता, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपना जब तक, अब एग्ज़ाम ऐसा होगा ना भाई कि जब तक आप अपना बेस्ट नहीं निकाल के दोगे तब तक आपका रिजल्ट होल्ड पे ही रहेगा, आप खुद श्योर नहीं होगे कि मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। इनफैक्ट जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनको भी अंदाज नहीं होता कि उनका रैंक कितना अच्छा आ रहा है या जो भी है, ठीक है। हाँ, और जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जैसे किसी के मॉक्स में 350 कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, तो ये मान ही के चलता है कि मैथ का पेपर ऐसे बनाना है, 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, रीजनिंग इस तरह से जो मॉक में चीज़ें चलती रहती है, वो एक्सपेक्ट करता है कि पेपर में भी यही होगा, लेकिन पेपर एक्चुअली में कैसे सेट हुआ है वो कोई नहीं जानता, और पेपर में मिलता है हमें सरप्राइज़। एसएससी की तो अब आदत हो गई है कि हर बार एक नया सरप्राइज़, कभी मैथ घुमा दिए, कभी रीजनिंग घुमा दिए, कभी इंग्लिश हार्ड कर दिए, तो कभी जीके में ऐसा अटपटा पूछ दिए, दो तीन साल पुराना करेंट अफेयर पूछ दिए, करेंट अफेयर के नाम पे कंटेम्पोररी अफेयर पूछ दिए। आज भी जीके के जो सवाल थे, इनफैक्ट कुछ सवाल तो ऐसे थे मतलब जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, जिसके लिए बहुत पक्का नॉलेज चाहिए था, फर्स्ट अफगान वार कब हुआ था, फिर एक डलहौजी का भी सवाल था, ठीक है, कि 1857 में वो गवर्नर जनरल था या नहीं, तो बताना था कि इनमें से कौन सही है कौन नहीं, मैचिंग का सवाल था। तो ये सवाल काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि अगर आपको उसमें तीन चीज़ें दी गई थी, तीनों में से कौन सही है कौन गलत है आपको पता करना, तो जब तक आपको तीनों नहीं आएगा तो आप ऐसे सवाल डील ही नहीं कर पाएंगे। और तीनों आपको तभी आएगा जब आप रटेंगे, तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो आप भूलोगे। तो जब तक आप थ्योरेटिकली पूरा अच्छे से पढ़ नहीं लेते एक एक चीज़ को, तब तक आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। और आप किसी भी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कर सकते कि अब एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे तो मेरा ये निकल जाएगा वो निकल जाएगा। अब आज के डेट में कंपटीशन अब ऐसा नहीं बचा है, आपको जेन्युइनली बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा। आप ऐसे बिल्कुल नहीं रिलाई कर सकते कि हाँ मैथ में तो मैंने सिलेबस ख़त्म कर ही दिया है, सारा कुछ आता ही है, ज्योमेट्री के तो कंसेप्ट मुझे पता ही है, अलजेब्रा के भी फॉर्मूला पढ़ लिया तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा।
पेपर अगर कंसेप्चुअल डिज़ाइन होगा ना तो हो सकता है कि पेपर आपका निकल जाए, लेकिन अगर उन्होंने कैलकुलेटिव पेपर दिया, लेंथी पेपर दिया, तो आपको आपका प्रैक्टिस ही बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। रीजनिंग में भी आज के डेट में आप कुछ नहीं कर सकते, हालांकि आज की रीजनिंग तो मैनेजेबल थी, एक दो तीन सवाल ही थे, मतलब दो तीन सवाल ही थे जो इन्फ्रेंस बेस्ड वाले, जो लग रहे थे कि इसमें क्या टिक करे क्या नहीं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, लेकिन जीके के तो 27-28 सवाल मतलब इंसान कर सकता अगर उसका अच्छा है बैकग्राउंड तो, ठीक है, मतलब मॉक वगैरह में अच्छा करते हैं तो वो रीजनिंग में भी अच्छा ही किया होगा, इंग्लिश में भी अच्छा ही किया होगा। जीके थोड़ा सा लग रहा था इजी है, लेकिन उतना भी इजी नहीं था, लोगों ने एवरेज अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा कर दिया जीके में, जिनका भी मैथ हल्का भी डैमेज हुआ, ठीक है। बाकी देखते क्या आएगा, मैं कट ऑफ वट ऑफ कुछ नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। इनफैक्ट आप भी के डेट में कोई भी इंसान अगर यूट्यूब पे ये वीडियो बना के डाल रहा है कि इसकी कट ऑफ ये जाएगी उसकी कट ऑफ ये जाएगी, बकवास है, ठीक है, वो गाली खाने का पात्र है और इसके सिवाय मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि भाई कोई श्योर नहीं है, कोई भी श्योर नहीं है कि उसका कौन सा क्वेश्चन सही होगा कौन सा गलत। दो तीन सवाल इंग्लिश में भी ऐसे हैं चीज, और आपका मैथ रीजनिंग में भी ऐसा है, कुछ लोगों ने अटेम्प्ट तुक्का लगाया ना, तो उसकी वजह से कोई नहीं कह सकता, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मॉक में कंसिस्टेंटली अच्छा आ रहा था, वो उन्होंने पेपर में भी अच्छा ही किया है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट ज़रूर हैं हमारे जान पहचान में भी जिनका मॉक्स में काफ़ी बेटर आ रहा था, लेकिन पेपर में वो उतना बेटर नहीं कर पाए जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो पेपर आपके लिए सरप्राइज हो सकता है, आप इसके लिए तैयार रहिए। सीजीएल 24 में भी हो सकता है कि आपको कुछ भी सरप्राइज़ देखने को मिल जाए, हो सकता है कि मैथ आपका वैसे ही मॉडरेट रख दे, मतलब जैसा आज पूछा गया था थोड़ा मॉडरेट थोड़ा हार्ड, ठीक है, और हो सकता है इंग्लिश में आपको एक नया सरप्राइज दे, टफेस्ट पेपर ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश का, तो कुछ भी हो सकता है, आप उसके लिए तैयार रहिए। अगर आप सीजीएल 24 का तैयारी करना चाहते हैं या आप उसमें एक सीट अचीव करना चाहते हैं, तो जितने भी एस्पायरेंट हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, रिक्वेस्ट एडवाइस आप जो समझ लो, ठीक है, कि भाई बिना देर लगाए मतलब बिना वक्त गवाए आप अभी से लग जाओ और आप अपने एक्सेलेंस पे ध्यान दो कि हाँ हमको अच्छा करना है, मैथ पढ़ना नहीं है पर मैथ का प्रैक्टिस भी करना है, अच्छे से जानना भी है सारे कंसेप्ट को। आप सारी चीज़ों में अच्छे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तभी आज के डेट में आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप में से किसी ने सीजीएल मेंस का पेपर दिया है, उनको कैसा लगा, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं मुझे, और कुछ भी गलती वलती हो गया हो तो माफ़ करना, मैं क्या ही बोलूँ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, और जो भी आपका सुझाव हो या जो भी आपका आगे के पेपर्स के लिए आपका जो भी सोचना है आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, जय हिंद।